रही है सांझी बात सांझा रेडियो 90.8 एफएम पर। जी हाँ मेरे भाइयों, और आज का जो मुद्दा है उस पर दो फोन कॉल्स हमारे पास आए। सबसे पहला कॉल तो आया संदीप वासन साहब का, जिन्होंने कहा कि भाई मुझे आपका ये शो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इंस्पायरिंग लगा, और पहले ये ब्लड डोनेट नहीं करते थे लेकिन अब करना शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि फिर तालियां। और दूसरा फोन कॉल आया कंतलाल जी का, जो ये पूछना चाहते हैं लिसनर्स से एक सवाल के रूप में, क्या इस दुनिया में प्यार नाम की चीज है या नहीं है? लिसनर्स जवाब जरा दे दो। क्या कहा आपने? है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। वो कहते हैं कि लोग एक्सीडेंट होकर सड़क पर पड़े रहते हैं, कुछ लोग रेल लाइन पर जो है ट्रेन से कट जाते हैं, हालांकि जिंदा होते हैं लेकिन लोग जो है सिर्फ देख के चले जाते हैं। अरे 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 देखो देखो पड़ा हुआ, देखो देखो इसका एक्सीडेंट हो गया, अरे यार बहुत बुरा हुआ इसके साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे उठा के अस्पताल ले जाए, घंटों तक इंसान तड़पता रहता है। हालांकि आज का जो मुद्दा है ये वो नहीं है, आज ब्लड डोनेशन का मुद्दा है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि इस तरह से भी किस्से हो जाते हैं कि लोग जो है सिर्फ देख के तमाशा देखते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप प्रवीण जी इस बारे? जी नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो समाज में हेल्प के लिए आगे आते हैं, यदि आगे ना आते तो वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंचते उन लोगों को लेकर। ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, ये है कि बीमारी का नाम सुना जाता है बहुत, मैंने अक्सर सुना है, कुछ थैलीसीमिया कहते हैं उसे। जी सर जी। है? तो जी। ये इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप थोड़ा सा रिसर्च वर्क करके आए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या थैलीसीमिया होता है एक्चुअली। एक्चुअली सर ये मेरे एक फ्रेंड के बेटे को हुआ। बेसिकली वो किसान था, तो उसके बेटे को हुआ तो उसकी काफी सारी ऐसी जो दिक्कत आई, इसमें खून जो है पानी बन जाता था उसके बेटे का। अच्छा अच्छा। तो जब उनको यहाँ पे बहुत लोकल डॉक्टर को दिखाने के बाद भी समझ नहीं आया, तो पीजीआई में ले जाकर दिखाया गया तो पता लगा कि ये थैलीसीमिया उसको एक रोग हो गया। अच्छा। तो उसमें क्या होता था कि हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन लगते थे जो कि बहुत कॉस्टली था, इलाज भी बहुत कॉस्टली था, हर महीने उसको ब्लड चेंज करना पड़ता था। तो सर इसलिए भी ये थैलीसीमिया यहाँ यमुनानगर में काफी लोगों को हो चुका है। अच्छा जी। दो बच्चे मेरी नोटिस में है जिनको हुआ है। अच्छा, तो अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत जो है अस्पताल का रुख करना चाहिए। जी, या किसी अच्छे डॉक्टर का रुख करना चाहिए, और वहां जाकर अगर ऐसा है तो उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहां मैं मेरे भाइयों यहां कहना चाहूंगा कि आप भी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप इस शो में लाइव आके बैठ सकते हैं। कोई अगर ऐसा मुद्दा है जो आपको लगता है, जैसे कि आज का मुद्दा है ये बहुत ही रेलेवेंट है और सभी लोगों से जुड़ा हुआ है, साझा मुद्दा है ये, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई साझी बात यहाँ पे कह सकते हैं, और आप ही के लिए शो है साझी बात। तो मेरे भाइयों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं प्रवीण जी से बोलना चाहूंगा कि क्या यमुनानगर में आसपास ऐसे बहुत सारे ब्लड बैंक होंगे तो सही ना? जी बिल्कुल है सर, जहाँ पे कि लोग जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और आसपास के क्षेत्रों में भी? जी बिल्कुल, इजीली अवेलेबल है ब्लड बैंक।